तो कुछ खाने के लिए है आपके पास? एग्स और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे आप लोग? और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगेन आई एम इन द जिम. सो हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू. बहुत दिनों के बाद आज मैं फाइनली शेयर करूँगी आप लोगों को ब्लॉग. और कैसे आप लोग जरूर जरूर शेयर करना. और कैसा होता है ना, मुझे एक्सरसाइज की एक्चुअली बहुत बहुत हैबिट हो गई है. और मैं पिछले 1 वीक से अगेन मैं मिस कर रही थी तो मैं नहीं आ पाई. सो बहुत दिनों बाद मैं आ जा रही हूँ. और यू नो और क्या बोलूँ. चलिए मैं मिलती हूँ घर पे आप लोगों से, फिर बातें करती हूँ बहुत सारी. और मुझे ना गिफ्ट आया है, गेस करना कहाँ से गिफ्ट आया है. गिफ्ट आया है जो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी. ज़रूर देखना क्या गिफ्ट आया, बहुत अच्छे गिफ्ट है. और ये देखो, मैंने टोनर एक यूज़ किया तो मुझे सूट नहीं हुआ. वो टोनर का नाम भी मैं बताऊँगी. जब भी मैं यूज़ करती हूँ ना तो मुझे सूट नहीं होता, यहाँ पे पिंपल्स आ गए. सो चलिए बाय बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद. तो ये है मेरा एरिया जहाँ से मैं गुजरती हूँ, आप देख सकते हो. आधा शॉप जो है खुल चुका है, एक ही खुला है, बाकी सब बंद पड़े. दुकान में आई हूँ. जेड नाम से कुछ आएगा तो दे दो. देसी से मतलब मैं सर्च कर रही हूँ, जेड से मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है. कुछ खाने के लिए है आपके पास? एक्स और जेड. एक्स और जेड, हाँ. ये देखो, एक्स मिल गया, मिल गया. ये दे दो. हाँ, एक दे दो, दे दो एक. सो आई थिंक ये चलेगा ना. एक्स एक्सट्रीम एंजॉय, एक्सट्रीम एंजॉय लिखा है, बट चलो चला लूंगी. अल्फाबेटिकली जो ऑर्डर है ना, वो चैलेंज एक्सेप्ट करने वाली हूँ. एंड आई एम सर्चिंग द अल्फाबेटिकली मैं क्या खा सकती हूँ. तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना एक्स और जेड से मैं क्या खा सकती हूँ, एंड क्यू से भी, यू नो. तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि मैं क्या खा सकती हूँ. और कुछ हेल्दी अनहेल्दी दोनों चलेगा यार. ये चैलेंज बस मुझे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आई लाइक दिस चैलेंज और बहुत ही ज़्यादा मुझे मजा आ रही थी. तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट जरूर करना. स्पीकिंग ना, ये चैलेंज करने के लिए मैं सारे सामान जुगाड़ कर रही हूँ. और मैंने चोको पाई लाया था, सब पीयू और पीयू के पापा खा गए. और एक चॉकलेट लाया था, वो भी खा गए. मतलब नाम कुछ सी से स्टार्ट था, डी से. आज मैंने बनाया था बोड़ो की सब्जी, और ये रोटी बनाया है मैंने थोड़ा सा आलू मैश करके.
जो कि मैं पीहू को देने वाली हूँ इस वक्त, और पीहू मेरे खाएगी ना खड़ा, है ना, खाएगा? ठीक है, ये तो खाने का ना, ये तो खाएगा, ठीक है, मैं पीहू को खिला के आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। को छोड़ने, और मेरा पीहू ना एक्चुअली एक वीक से नहीं गया ना, इसलिए आज मेरे पीहू को ना बोल रहा नहीं जाना है, आज जाएगा लल्ला मेरा ना, मैं बाहर खड़ा रहेगा, सोना मिलते पीहू को छोड़ के आने। येलो कलर नहीं है सोना, ब्लैक, ब्लू कलर, हाँ। अभी मेरा पीहू पीहू से आई लव यू नहीं, आई लव टू गो स्कूल, अरे मेरा ना, हाँ बच्चा नोटक करते नोटक, बाय बाय बोल दो, लव यू पापा, ठीक है। हम लोग पापा को बैग दे के फटाक से भाग जाएंगे। देखो आज मैंने पीहू को बहुत अच्छा अच्छा टिफिन में ना यम्मी यम्मी खाना रखा है, हाँ मैंने पीहू को यम्मी यम्मी खाना रखा है। चलो चलो आ जाओ ना, लिफ्ट आ गई, आ गई, चलो चलो आ गए हम लोग। छोड़ के आने के बाद मैंने लाई है ककड़ी, और ये मुझे मिली है 30 रुपए किलो। सो आप लोगों के शहर में कितने रुपए का किलो मिलता है जरूर कमेंट्स करना मुझे। सो अब मुझे लगी है भूख, तो मैं खा लूंगी इस ककड़ी को। करो देखो कब से कैमरा सेट कर रही हूँ, फाइनली मैंने कैमरा सेट किया, ये इस तरह से जुगाड़ लगा के देखो, ये ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा सा लगाया था, और पीहू ने ना फटाक से उसको हटा लिया। सो इतने जुगाड़ करने पड़ते हैं हमें, मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा बात करती हूँ, बट पीहू रानी जो है मुझे बात नहीं करने देगी, तो ऐसे सब सिचुएशन भी आती है यार। ऐसे सिचुएशन आती क्या है, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो मुझे लगता है हर माँ, हेड्स ऑफ है हर माँ को, जो यू नो वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, उसे पोस्ट करते हैं, सच में यार बहुत 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 एफर्ट लगता है हमें। और मैंने इतने अच्छे से एड किया था, पीहू आई सडनली बैठी और निकाल दिया। सो एनीवे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि यू नो दीदी ने मुझे, दीदी ने सा समुंदर पार मीन्स मेरे लिए क्या गिफ्ट भेजा है, बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह से आपके सामने लाई हूँ, आई हूँ यू नो लाइव इन द सेंस आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और ये मेरा बहुत पुराना ड्रेस है, मैंने सोचा पहन लेती हूँ, और यू नो सो यू नो और क्या बोलना है यार, चलो मैं दिखाती हूँ दीदी ने मुझे क्या गिफ्ट दिया। सो जैसे कि आप लोगों ने हर ब्लॉग में देखा होगा, सुना होगा, दीदी 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 दीदी, तो दीदी ने मुझे बहुत सारे प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए हैं। और एक बात बताऊँ, ये गिफ्ट मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई है, और ये वीडियो के थ्रू ही देखेंगे बिंदु दीदी, मेरी भाभी मम्मी, तो सब मुझे बराबर करने वाले, क्योंकि मैंने कहा उन्हें कुछ नहीं आया है, सिर्फ राखी आया, राखी भी बहुत सुंदर सुंदर राखी था, तो मैंने मम्मी को दे दिया एक राखी, शायद मेरे पास होगा, मिला तो मैं जरूर दिखाऊंगी। पीहू का ना सब फेंकना चालू हो गया, पीहू स्कूल से आने के बाद ना पूरे घर को वापस से पूरा मेरा बच्चा वापस से मैच कर देता है। देखो पीहू सबको हेलो बोलो, ये रहा पीहू का स्कूल ड्रेस जो मम्मा प्रेस करके गया था, और ये मेरा पीहू, देखो ये मेरा पीहू का किचन है जो कि यू नो टूट गया है, अब मैं बनाएगा इसको, और मेरा पीहू बनाएगा मम्मा के लिए चाय, ये देखो चाय बनता है मेरा पीहू का, है ना पीहू, और मेरा पीहू कर रहा है स्टडी, पीहू स्टडी टाइम, अच्छा। सो चलिए मैं एडजस्ट कर लेती हूँ कैमरा फिर से, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ऐसे हाथ में पॉसिबल तो नहीं होगा इस तरह से शूट करना। मेरा कैमरा जो है सेट हो गया है, और मैं आप लोगों को दिखा दूँ मैंने क्या मंगाया नहीं, मुझे मिला है, एक्चुअली मुझे दीदी ने गिफ्ट दिया है ये सब, और यू नो बहुत अच्छा लगता है। और एक्चुअली बहुत थोड़े दिन पहले मेरा देवर है ना गांव गया था, तो दीदी ने सारे के सारे गिफ्ट मेरे लिए भेजे हैं, और थैंक यू सो मच गया दीदी। और यू नो ये एक्चुअली आ गया था मेरे पास 1 वीक पहले, बट मैं आज आपको दिखा रही हूँ, तो ये रही एक पर्स, और मुझे ना बहुत पीटने वाली हूँ मैं, और क्योंकि ना ये मैंने अभी तक बताया नहीं दीदी को, और मैंने कहा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक पर्स दिया, वो भी ये मैंने दिखाया था।
मुझे इस वक्त बहुत हंसी आ रही है, बट मुझे आप लोगों से बताना है, क्योंकि आप लोगों से मैं कुछ भी नहीं छुपा सकती, सीरियसली, यू नो. सो ये पर्स मुझे इतना अच्छा लगा, दैट मीन्स, यू नो, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे प्लास्टिक का, यू नो, हाफ शेड प्लास्टिक में एंड हाफ शेड इस तरह से, और इसके अंदर है एक और पाउच छोटू सा. सो कितना प्यारा है. सो थैंक यू सो 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 मच गया दीदी, आई मिस यू अ लॉट, सीरियसली यार. ये तो गिफ्ट कुछ नहीं यार, बट मेरी भाभी और दीदी ने बहुत समझदार है, हम लोग ना नो शेयर कर लेंगे. और ये एक दिया है, ये तो कैसे हो गया ना, जेवर मेरा अचानक गए तो दीदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या दूँ, तो जो भी दीदी के पास था वो दीदी ने दे दिया. तो मैंने सोचा अगर दिया हो तो तीन तो हम शेयर कर लेते हैं, बट दो दिया है ना, तो मैं और बिंदु दीदी लेंगे तो भाभी को बुरा लगेगा, या भाभी लेंगी तो दीदी को बुरा लगेगा, तो मैंने सोचा मैं ही रख लेती हूँ. तो कैसा लगा ये गिफ्ट जरूर बताना, एंड नो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. एंड सेकेंड उन्होंने दिया है और राखी भेजी थी, जो कि मैंने मम्मी को दे दिया है ऑलरेडी, डायमंड वाली राखी थी. सो क्या दीदी, राखी मिल चुकी है, काफी 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 अच्छा राखी था, मतलब बहुत ही अच्छा राखी था. और ये इन्होंने ना, दीदी का पार्लर है एक्चुअली, सो वो पार्लर का अभी चल रहा है उनका, दैट मीन्स सेटल हो गया है, तो उन्होंने ये भेजा है हमें. और अगर मैं गांव जाऊंगी ना तो पार्लर का भी जरूर 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 ना शेयर करूंगी, बहुत सारे वीडियो है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सजना संवरना बहुत पसंद है. और हाँ हाँ खा रहा है बाबू, फिर से आ गया बाबू तुम कैमरा पे, देखो मेरा वो खाना खा. सच में यार कैसे हम सूट करते यार, तो पूरा टाइम ना बच्चों को खिलाना पिलाना फिर लाना फिर उसके बाद ये काम करना, ये लो बस हो गया सुना. पीयू इसमें खाना खिलाती हमें, बाय द वे तो वापस एक पीयू ने ना कैमरा खिला दिया. गॉड इट्स वेरी 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 टफ टू यू नो कैमरा को एडजस्ट करना, और इसको ये सबसे 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 गंदा काम है, आई हेट दिस वर्क, यू नो सेट करना. एंड ये मंगाया है मैंने, मंगाया मुझे दिया है सरप्राइज गिफ्ट. सो ये एक्चुअली मुझे बहुत बहुत दिनों से चाहिए था, इसे पलक कहते हैं ना, आई लाइनर पलक, हाँ जो भी है, यू नो कुछ कुछ चीजें ना ध्यान में ही नहीं आता कि हम क्या बोलते हैं, सडनली मैंने लाया और मैंने सोचा आप लोगों को शो करूँ, तो इसके पीछे और हम कोई भी, मुझे नहीं लगता यूट्यूबर कोई स्क्रिप्ट लिखता है या कुछ भी है, इसके पीछे कोई लॉजिक होती है, जो है हम बस शेयर करते हैं. इसीलिए हमारा जो थोड़ा बहुत होता है ना, बहुत सारे यूट्यूबर देखा है मैंने और मैं खुद भी हूँ, ये रॉन्ग हो जाते हैं, दैट मीन्स हम लोग कोई स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं करते और हमारे मन में जो आता है हम जैसे है वैसे यू नो प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, और अपने जो भी डायलॉग राइटिंग है डायलॉग डिलीवरी वो करते हैं. एंड ऑल्सो इस पर तो कोई जजमेंट प्लीज ना करे, यू नो. सो ये मैंने लिया है और मुझे थोड़ी देर बाद नाम याद आएगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, यू नो आई शेडो. अरे यार मुझे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है. दीदी बहुत हंसेंगी मेरे ऊपर, मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो गया. चलो एनीवे, और दूसरा है यहाँ पे, ये देखिए तो ये दिया है मुझे दीदी ने, यू नो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट्स करना. ये देखिए फ्रेंड्स वर्ल्ड का, और ये दीदी ने कहा कि गोल्डी सॉफ्टी के बर्थडे में जरूर पहनना, बट मेरा ना मूड चेंज हो गया, जैसे आप लोगों को पता है प्लानिंग तो बहुत सारी थी कि हम साड़ी पहनेंगे एंड ऑल, बट पीयू को वायरल फीवर हो गया था तो कुछ मन नहीं कर रहा था, बट पीयू आप लोगों की ब्लेसिंग की वजह से पीयू बहुत जल्दी रिकवरी हो गई. और एक्चुअली क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पता है गंदा हो चुका है, इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन देना पड़ता है. तो ये रहा, एंड इसके साथ है ना ये एक झुमका भी दिया है कान का, ये देखिए कितना सुंदर सा है. सो ये मुझे मिला है, सो अगेन थैंक यू सो मच या दीदी, और उन्होंने बॉक्स में करके इस तरह से दिया है. और यू नो और बहुत सारे सामान थे जो कि मैंने दीदी को दे दिया, थोड़े बहुत सामान थे जो दीदी को दिया है और मम्मी को दिया है, राखी दिया था दीदी ने. और मुझे शॉल बहुत पसंद है, हमारे जो यू नो
नॉर्थ में शॉल है ना बहुत अच्छे मिलते हैं, तो दीदी ने मुझे वहां से ये भेजा है, ये देखिए। और वहां पे ना जैसे यहाँ पे डी मार्ट होते हैं ना, वहां पे वी मार्ट होता है। सो ये बहुत ही प्यारा है। और यू नो कलर देखिए, दो शेड है एक्चुअली, और इसका जो फील है ना बहुत ही अच्छा, बहुत स्मूथ। सो इसे पश्मीना भी बोलते हैं। हाँ पश्मीना, हाँ। तो ये भी दीदी ने मुझे भेजा है, सो थैंक यू सो मच दीदी। और ये देखिए कैसा लग रहा है। और इसको दो शेड में आप इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं। अभी वो मेरा ना स्टडी कर रहा है, पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही या नहीं। सो कैसा लगा मेरा ये सात समुंदर पार से भेजा हुआ गिफ्ट, जरूर कॉमेंट्स करना। एंड थैंक यू सो मच दीदी मुझे गिफ्ट भेजने के लिए। I love you all and love you too, yeah, didi, and miss you so much. और यू नो भाभी भी हमारी बहुत ज्यादा मिस करती सीरियसली यार। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई डोंट नो ये कंटिन्यू करती हूँ या नहीं, बट अभी तो कुछ बज रहे हैं अराउंड 4 o'clock, सो देखती हूँ लेट्स सी कंटिन्यू कर पाती हूँ या नहीं। और फिर मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। मैं एक्चुअली क्या बोल रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा माइंड है ना वर्क नहीं कर रहा है। I want some rest. So bye bye. मैं थोड़ा rest करूँगी, उसके बाद देखती हूँ कि vlog continue कर पाती हूँ या नहीं। और ना कैसा होता है ना, actually frankly speaking तो vlogging करने का ना view आते हैं ना तो vlogging करने का बहुत अच्छा मन करता, but view नहीं आते ना उसकी वजह से बहुत ये होता है। but anyway हम अपनी memories save कर रहे हैं YouTube पे, क्योंकि ऐसे कहीं ना कहीं हमारे से miss हो जाता, तो हम बस अपनी memory जो है ना save कर रहे हैं YouTube पे। और कुछ नहीं बोल सकते, और क्या कर रहे हैं मतलब। दीपिका जी भी बोले ना हमारे व्यू नहीं आते बट हम मेमोरी सेव कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, एटलीस्ट 150 तो व्यू आते हैं बट बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो वो सबकी वजह से ना पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है और अच्छा लगता है आपका कॉमेंट। सो प्लीज कॉमेंट करना मत भूलिए। एंड मेरी व्यू मुझे देख रही है, दिखाती हूँ व्यू का, क्यों क्या हुआ है ना कुछ नहीं बोलते चुचू नहीं। हाँ चलो आओ चुचू कला दू, आओ क्यों को चुचू आ गए। चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाय। फिर सबको बाय बोल दो, हेलो बाय बोल दो, बाय। मेरा किचन देखो, मेरा पियू का किचन देखो, मेरा पियू दिखता है क्या, दिखता है बोलो बाय बाय।